पेंशन वगैरह कुछ मिलता है भैया? पूछिए चाची, पेंशन वगैरह मिलता है दीदी को? कुछ पेंशन वगैरह मिलता है? क्या हुआ है इनको? पोलियो जी, बचपन से पोलियो है जी। तो सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है? नहीं ना मिला तो भाई नहीं। कहीं गई किसी अपने प्रधान को? कहूं नहीं गई है। प्रधान जी को बताई जो यहाँ के प्रधान है आपके गांव के? कौन है भैया प्रधान? नाम क्या है उनका? राम नारायण। नहीं नहीं, वो क्या नाम? लेडीज है उसकी। हिल्ला चौधरी। हिल्ला चौधरी मतलब उनके पति जी यहाँ का देख रेख? नहीं, उनके क्या नाम है, वालिद साहब, उनकी भी बेटी है। सब मिला जुला कर ना लिया कर थोड़ा। अच्छा अच्छा। लोग तो कहते हैं कि भारत पोलियो से आजाद हो गया है, भारत में नहीं। अब देख लीजिए आप ही के सामने दो, है दो केस, दो नहीं तीन चार केस मिलेंगे मेरे गांव में। मेरे गांव अच्छा। में तीन चार केस पोलियो, चार केस मिलेंगे। हाँ चाची थोड़ा हटाइएगा। पेंशन वगैरह कुछ नहीं मिलता है? पैसा ऐसा मिलत है कर कुछ नहीं मिला तो क्या पैर पतले हो गए? पैर पतले हो गए। हाँ पैर पतले हो गए, देख सकते हैं क्या है वो? क्या तो ये चल नहीं पाते न, न चली पावे थी, न खाना खा पावे थी, न अपने हाथ से बोल पावे थी, कुछ नहीं, बहुत मजबूरी है। तो मम्मी इनकी इंस्पायर कर गई हैं। अच्छा जी। और इनके अब्बू भी नहीं है ना? अब्बू भी नहीं है अभी। मामी वगैरह हैं, यही सेवा हुआ करती हैं इनके। तो क्या बचपन में पोलियो दो बूंद जिंदगी नहीं ऐसे नहीं पिलाया गया था क्या? पोलियो पोलियो पिया है तब नहीं चल भी, सब कहा कि पोलियो हो गया, ऐसे चलत रही। जब शरीर गढ़ू हो गया तो नहीं चाहिए, खटिया पकड़ के चलत वलत रही। जब शरीर गढ़ू हो गया तो सूते बैठा लागे, ना चल पावत रही, तो बहुत मजबूरी हो गया बहनी। कौन बताए डॉक्टर लोग? हाँ डॉक्टर लोग के पहले जन्म तक दिखाई गए, बोल नहीं पावे, चल नहीं पावे, चल फिरत रही खटिया पकड़ के। और बाद शरीर जब गढ़ू हो गया तब नहीं चल पाए, जब सूते बैठे रह गई, सब कुछ सूते सूते कुल हुआ था झाड़ सब। तो आप लोग देखते हैं? हाँ अच्छा। सास सहीन आपकी? हाँ अच्छा। इनका नानी हो बहनी, एक साल हो गया महतारी मेरे रिस्पायर हो गई। अच्छा। हाँ इनके वालिद साहब भी नहीं, इनकी मम्मी भी नहीं है। इनकी मम्मी का एक साल पहले एक्सपायर हो गई। ये इनकी समझ लो ममानी लोग हैं। अच्छा। यही सब इनका सेवा करती हैं बेचारी लोग, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं। लेकिन अभी मुझे ख्याल आ रहा है कि कुछ साल पहले ये रिपोर्ट तैयार की गई कि भारत में अब एक भी पोलियो के केसेस नहीं है, भारत को पोलियो मुक्त बना दिया गया। तो चार लोग हैं पोलियो वाले मेरे गाँव में, ये काप के सामने है, एक दो क्या नाम है और मिलेंगे, एक तो बेचारे वो रहते नहीं है यहाँ पे। चार केसेज हैं। तो फिर आपके जो लोकल नेता लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं फिर? ऐसे केसेस के लिए तो उनको और एक्टिव होना चाहिए। हाँ बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए, लेकिन ध्यान ही नहीं मतलब दे रहे हैं। यहाँ ना कोई अधिकारी कर्मचारी आ रहे हैं देखने। ज्यादा रकम नहीं लेकिन 500 रुपए पर माह कुछ ऐसे है। हाँ तो थोड़ा सा दिल की, हाँ थोड़ा मदद हो जाता, पूरा काम मदद हो पाता है, लेकिन थोड़ा मदद हो जाता सरकार को। अब ये देख करके इनका तो हालात एकदम से बिल्कुल दिल दहल जा रहा है, एकदम दिल दहल जा रहा है, कोई इस पे ध्यान ही नहीं है। खाना खियाओ, अपने हाथे पानी पियाओ, अपने हाथे कपड़ा लत्ता भेजाओ, अपने हाथे कुल करे पड़ता है बहनी, बहुत मजबूरी है। अरे हो गई 15 बहनी, 15 पहले बहुत दौड़ी डॉक्टरों तक, फिर पता चला अब नहीं सही हो पाई, अब नहीं सही हुई। हाँ जब शरीर गढ़ू हो गया तब कहें डॉक्टर लोग नहीं चल पाई हैं अब। बचपन में जब दिखा दवाई वाई होगी, अब शरीर है एकदम हम पतला हो, जब सूते बैठे लागे खून ना शरीर में दौड़ा करे लागे तो कहें डॉक्टर कहें एकदम सुखड़ हो जाए। हाथ पतला हो गया बहनी, देखो देखो कुछ है नहीं बहनी, हिलत ना डोला था कुछ नहीं, ऐसे ऐसे तब रहते देखो या। सकल सूरत इतना सुंदर बहनी, बकरे अल्लाह ताला गोड़ हाथ ना आई दिन, मुँह नहीं दिन, तो कुल बेकार है। और हाथ ही नहीं पूरा शरीर नहीं काम कर रहा। हाँ पूरा शरीर नहीं कुछ नहीं, अपने हाथ से ऐसा माछी नहीं हो पाती, ऐसा खाना नहीं उग पाती, कुछ नहीं बहनी, बहुत मजबूरी है।
ये देश की सच्चाई है, पता नहीं समझ नहीं आता है कि मैं क्या कहूँ। इस बच्चे को देखकर मैं परेशान हूँ और मैं सोच रही हूँ कि जो यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं, जो प्रधान हैं और जो लोकल नेता हैं, जब वोट मांगने इस गांव में आते हैं और इन बच्चों को देखते होंगे तो उनको शर्म आती है या नहीं। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे भैया बता रहे हैं तीन या चार केस देखे होके आओ तो बहनी जो देखबे करता तो वो करबे कर कितना जानी लिख लिख लाई गए बाबू, कुछ नहीं क्या पैसा मिली, इनका राशन मिली, कुछ नहीं मिला बाबू। इनके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, सरकार के आंकड़ों में ये बोला जाता है कि अगर कोई बच्चा हाथ नहीं तो इनके मजबूरी बहुत है, इनके घर बैठे पैसा मिली, हर चीज कुछ नहीं मिला था बाबू। कौन कौन आया और कौन कौन फॉर्म भर के ले गया? अब हम नहीं बता पाए बहनी, सरकारी आदमी। चार बार, हाँ तीन चार लोग सब आया देख के गए, बाकी कुछ नहीं मिले, क्या पैसा मिली, इनके गोड़ हाथ नहीं है, सब घर बैठ के इनके पूरी उत्थू मिली है। हमारे कहन के कुछ ठीक है बाबू, लिख ले जा देख लो आँखी से, यू नहीं कि बहनी क्यों चोराए है वो करे है कि दादा नाई सामने ही आँख के सामने ही। सोचिए एक बच्ची जो ये आप खटिया देख रहे हैं, इनकी पूरी जिंदगी इसी में गुजर रही है, 30 सालों की शबनम है, 30 सालों से इस खटिए पर ही पड़ी हैं, इनके चेहरे पर जो मक्खियां बैठती हैं उसको भी ये हटा पाने की हालत में नहीं है। इस देश की सच्चाई ये है, एक तरफ आंकड़े में आप पोलियो मुक्त भारत की बात करते हैं, ये कहते हैं कि भारत में पोलियो के केसेस नहीं हैं, जबकि इस गांव में 3 ऐसे केसेस हैं जैसा भैया बता रहे हैं। एक मेरे सामने शबनम है, इनके चेहरे को आप देख लीजिए, ये देश की सच्चाई है। बुखार बहुत ज्यादा आता है, डॉक्टर आए हैं, सुई दवाई कह के गए हैं। मुझे लग रहा है कि मैं बात करके इनको परेशान कर रही हूँ। अभी कभी कभी ऐसी चीज़ों को देख लेती हूँ तो समझ में नहीं आता है क्या बोलूँ। एक तरफ आंकड़े और दावे में कुछ और है और दूसरी तरफ ज़मीन पर शबनम जैसी लड़कियाँ हैं जो सरकारी बातों से न जाने कितने दूर खड़ी हैं, और जितने आंकड़े और दावे में बात हो रही है पोलियो मुक्त भारत की, उस तरफ ये तस्वीर भी है, सच्चाई है इस गाँव की कि 3 केसेस हैं ऐसे यहाँ पर। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।